आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे जब आप इसे फ्राई कर सकते हैं। इसकी कोटिंग नहीं छूटती है, मसाला इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर लगा हुआ है, तो अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को इंजॉय करें। बाज़ार जैसी नहीं, बाज़ार से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हुई है जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनी हुई है, तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई, तो उसके लिए यहाँ पर हमने 1.5 किलो बोनलेस फ़िश ली है। फ़िश में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप चाहें तो यहाँ पर बोन फिश भी ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फ़िश पसंद है। तो यहाँ पर हमने जो फ़िश ली है वो तलबिया फ़िश ली है, तो आप अपनी पसंद की कोई भी फ़िश ले सकते हैं। फ़िश को हमने वॉश करके रख लिया है, जिस तरीके से भी आप धोते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर धो लें, और यहाँ पर उसका बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर लेते हैं एक मिक्सी का जार, 4 से 5 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, और यहाँ पर 20 से 25 लिए लहसुन की कलियाँ ये डाल देंगे। 4 बड़े नींबू का जूस लिया है यहाँ पर, नींबू अगर छोटे हैं तो 5 से 6 ले लें, ये डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। यहाँ पर हमें अदरक नहीं डालना है, सिर्फ हमें लहसुन को यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसको हम डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर मिर्ची और लहसुन हमने अच्छे से पीस लिया है और फैलाकर इसमें डाल दिया है। अब इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, ये भी डाल देंगे, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ों को हमने फ़िश के ऊपर लगा दिया है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से देखें इसकी कोटिंग हो गई है, तो फ़िश मिर्ची और लहसुन का यहाँ पर अच्छे से इसमें फ्लेवर आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, आप इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं, और कम से कम इसको 1 घंटा तो बिल्कुल छोड़ना ही है। तो देखिए यहाँ पर करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया है यहाँ पर रखे हुए, और जो नींबू और लहसुन का फ्लेवर है इसमें आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भी है, तो ये पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ पर पहले हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमने 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अगर आप तीखा खाते हैं तो, लेकिन इतनी मिर्चें भी इसमें काफ़ी स्पाइसी रहेंगी क्योंकि ये चटपटी अच्छी लगती है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कसूरी मेथी जिसको हमने बारीक क्रश कर लिया है, और यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे हम ऑरेंज फूड कलर, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसकी जगह कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं जो कि 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड कर दें। 1 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे हम नमक। अब इसमें ऐसी चीज़ मिलाते हैं जिससे इसमें बाइंडिंग भी हो जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर डालेंगे हम भर के डालेंगे 4 टेबल स्पून मैदा, और 4 टेबल स्पून ही डालेंगे यहाँ पर हम बेसन। सभी स्पाइसेस को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है। रेस्टोरेंट जैसी नहीं बल्कि रेस्टोरेंट से अच्छी फिश यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। आपने बाहर की फिश बहुत खाई होगी, आपको अच्छी भी बहुत लगती होगी, लेकिन जब आप ये ट्राई करेंगे तो हमेशा यही बनाएंगे। मसाला यहाँ पर अच्छी तरह से मिल चुका है, देखिए बहुत अच्छे से इसको आपको मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी मसाला एक जगह इकट्ठा ना हो, यानी कि सारे मिक्स हो। अब जो ये फिश हमने रखी थी तो इसमें से यहाँ पर इस तरीके से निकालते जाएंगे और इसको यहाँ पर इस मसाले से कोट करते जाएंगे, और इसको यहाँ पर इस तरीके से कोट कर लेने के बाद यहाँ पर एक प्लेट में रखते जाएंगे। पानी को यहाँ पर हमें झाड़ देना है अच्छी तरह से। इसमें सभी फिश को मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है, देखें यहाँ पर कि बहुत अच्छे से मसाला लग चुका है, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जो कोटिंग वाला मसाला हमने तैयार किया था ये बचा हुआ है, तो आप इसको या तो फिर पराठे बना सकते हैं आटे के साथ इसको मिलाकर, या फिर आप इसको पकोड़े बनाते हैं तो उसके अंदर भी इसका मिक्सचर ये डाल सकते हैं, आपका वेस्ट नहीं आएगा। 8 से 10 दिन भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। नींबू और लहसुन का पानी है वो, ये हमारे लिए सारा फ्लेवर इसको मिल चुका है, तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। फिश यहाँ पर रेडी है एकदम मसाला लगाकर बिल्कुल फ्राई करने के लिए। अब इस क्या करेंगे, अगर आपको स्टोर करना है, आप इसको आधी अभी करना चाहते हैं, आधी आपका बाद में जब भी मन हो आप इसको जब भी फ्राई कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक बॉक्स लेंगे, जितनी आपको फिश रखनी है यहाँ पर उस हिसाब से आप यहाँ पर कंटेनर में इसको रख दें। तो यहाँ पर इसे कंटेनर में रख देंगे, इस तरीके से आप इसको फ्रीजर के अंदर रख दें, और जब आपको इसको खाना हो तो आप इसको निकाल कर 1 घंटा पहले रख सकते हैं, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो है 15 दिन से लेकर 1 महीने तक आप इसको रख सकते हैं। अब जो यहाँ पर ये फिश है इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो कम से कम 30 मिनट बाद यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल को अच्छी तरह से तेज़ गर्म होने देंगे।
तो देखें यहाँ पर ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और एक एक करके यहाँ पर सभी फिश के पीस डाल देंगे। फिश डालने के बाद इसको हम फेड़ेंगे नहीं, अभी इसको हम फ्राई होने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। उसे 3 मिनट बाद यहाँ पर देखें फिश अच्छी तरह से सिकने लगी है, इसका कलर चेंज होने लगा है, तो हल्का सा इसको अलग कलर देंगे और यहाँ पर इसे फिर से सिकने देंगे। तो देखें यहाँ पर इसको हमने अच्छे से सिकने दिया है, इस तरीके से इसको घुमाते रहेंगे ताकि हर तरफ से ये सिक जाए, और आपको यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम पर ही करना है ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से कुक भी हो जाए। 8 से 10 मिनट लगे हैं यहाँ पर फिश को फ्राई होने में, और इसको हमने लगातार मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है जिससे इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं छूटा है, और इसकी देखें कोटिंग कितनी ज़बरदस्त आई है। तो बहुत ही स्पाइसी मसालेदार और कुरकुरी फिश बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो आप इसको ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं, जिसको आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अलग तरीके से बनी हुई है, तो आप ये रेसिपी ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अपनी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करने वाली ये रेसिपी होती है, तो जब सब लोग साथ बैठकर खाते हैं तो सबको ही बहुत मज़ा आता है और चीज़ जो है उसका भी जायका बढ़ जाता है। तो ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें, अपने दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें।